हम तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। भाई हम कहाँ जा रहे हैं आज? यार ये हमारा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उसने बुलाया कि भाई आप आ जाए हमारे पास, जरा इतनी वीडियोज आप बना रहे हैं कराची की, तो हमारी भी एक वीडियो बनाए, हमारा एरिया भी दिखाएं जरा, तो उनके पास जा रहे हैं। ठीक हो गया, वहाँ चल के मिलते हैं आपसे। तो टॉम एंड जेरी मोटो व्लॉग के एक नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर हो गए आपकी खिदमत में। उम्मीद है हमारे मोटो व्लॉग की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है उसमें कोई भी जो आपको मिस्टेक्स लगती हैं तो नहीं आए भले, हम क्या करें यार, नहीं पसंद आ रही तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो यही बना रहे भाई। नहीं 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 ऐसे नहीं होता भाई, उनके कमेंट्स उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑडियंस की डिमांड है, ऑडियंस के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो उनको पसंद आनी चाहिए, और उनके रिव्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसकी बातों को इग्नोर करते हुए आपके जो भी हमारे लिए सजेशंस हैं या जो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताएं उन सब चीज़ों के बारे में। अगर कोई चीज़ें हमसे मिस हो रही हैं उसका भी ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि पका जेरी भाई पका रहे हैं कि नहीं। नहीं नहीं वो तो बेशक आपको नहीं लग रहा होगा ऐसा ही, इसको ही लगता है क्योंकि ये बातें हमारी सुनना इसको ज़्यादा कोई खास पसंद है नहीं। और हाँ अगर आपको भी लगता है ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ या बहुत लंबी बात करता हूँ तो प्लीज़ हमें बता दें ताकि मैं भी उस पर कंट्रोल कर सकूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। भाईजान आगे कोई मजमुआ से लगा हुआ है, लगता है कोई लड़ाई वड़ाई होगी, क्या हो गया ये भाई? ये बाइक वाइक ठोक दी किसी ने, ओ भाई ये तो लड़ाई में लगे हुए यार, इतनी गर्मी में इतना लड़ाई वड़ाई करना मुनासिब नहीं। पीछे पुलिस वुलिस आई थी, ये इन्हीं के चक्कर में आई है वो बेचारी, वो भी ट्रैफिक में फंस गई। हो सकता है ट्रैफिक बंद हो, पुलिस गुजर रही हो तो सारे बच गया, गर्मी में दिमाग गर्म हो ही जाता है लोगों का। हाँ जी हाँ जी, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा रास्ता है भाई? ये कुरंगी रोड कहलाता है, मेरे लेफ्ट साइड पे डिफेंस फेज 1 था और राइट साइड पे डिफेंस फेज 2 है, और ये हम क्रीमाबाद की तरफ जा रहे हैं और हम बीच में से जा रहे हैं। हाँ, और अभी जिस जगह हमने जाना है, हमारा फ्रेंड जहाँ रहता है वो है लांडी 5 नंबर, कुरंगी नहीं लांडी 5 नंबर, जो कि यहाँ से अच्छा खासा दूर है। आप कभी गए हो लांडी? यार लांडी नहीं गया मैं, बस कुरंगी 2-2.5 नंबर तक गया हूँ, उससे आगे कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, उससे आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई है ना। हाँ यार बहुत दूर है, अभी देखते हैं कितनी थकावट हो जाती है। नहीं नहीं भाई सही बात बताओ, उधर जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? असल में ना जाने की वजह कुछ और है कि एरिया थोड़ा सा ख़तरनाक है, अभी भी देख दिन में इसीलिए जा रहे हैं कि रात को वहाँ आना जाना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है। अच्छा इसलिए हम दोपहर में जा रहे हैं? हाँ बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज। चल चल छोड़ इस बात को, मुझे ड्राइविंग पे फोकस करने दे, काफ़ी लंबा सफ़र है। सफ़र तो जल्दी निकट जाएगा वैसे हमारा। हाँ अगर ये ब्रिज इस तरह के और ये खड्डे वड्डे वाला रोड रहा तो फिर तो आपको अच्छे से गुजरेगा। आपको सलाह किसने दी इतनी दूर जाने की वैसे? भाई वो दोस्त ने बुलाया तो उसके बुलाने पे तो जाने ही है ना, अब ये ट्रैफिक जाम ऐसे मिलता रहा तो फिर तो पहुँच गया। अरे यार ये देखो अंकल के काम देखें, इन्होंने हमको गुजरने नहीं दिया, हम हालांकि गुजर के आगे भी पहुँच गए होते, अंकल थोड़ा ज़्यादा। ये अंकल को भी देखो, ये भी हमको रास्ता नहीं दे रहे। बस भाई यार आपको रस्ते वालों को पता होना चाहिए, हमारे आगे जेरी भाई बैठे हैं, वो जहाज उड़ा लेते हैं, तो मोटरसाइकिल क्या चीज़ है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चल चल इतनी लंबी लंबी ना छोड़, मुझे कह रहा था कि लंबी बात करते हैं और खुद तू बात नहीं लंबी करता लेकिन छोड़ता बहुत लंबी लंबी है। सही पकड़े हैं। तो भाई क्या आप जहाज नहीं उड़ा सकते? भाई जहाज चलाने की क्या ही बात है, जो बंदा कराची की सड़कों पर गाड़ी चलाता है ना उसके लिए जहाज चलाना या कुछ भी चलाना कोई मसला ही नहीं है। चलाने की बात नहीं कर रहा है, उड़ाने की बात कर रहा हूँ। तो भाई पहले चलाओगे तो फिर ही उड़ेगा ना, जहाज से सीधा उड़ा लोगे? हाँ बात तो ठीक है लेकिन अभी तो सड़क पे, हम बाइक पे ध्यान दो यार, किसी में टोक वोक नहीं देना। नहीं नहीं खुदा खैर करे भाई, ऐसी बातें ना करे यार, बस पीछे मजबूती से पकड़ के बैठ। हाँ मैंने पकड़ा हुआ है, आप गिर जाओगे मैं नहीं गिरूंगा। खुदा खैर रखे, पहुँच जाने दे आराम से, तू अजीब अजीब बातें ना करे यार। यार ये वाली गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, ये सुजुकी वाली ना लोडिंग वाली कराची में, ऐसा क्यों? भाई तो सही, ऐसा क्या मतलब क्यों है? लोडिंग की गाड़ी है, लोडिंग के काम में आती है और क्या, तो इतनी की चलती है यार। जीब जीब बातें तो सेंस है इस बात की, वही वही सेंस कोई है नहीं। चलो भाई अपने मंजिल मकसूद तक जल्दी जल्दी पहुंच के अपना व्लॉग शूट करें, साथ में हमारा मोटो व्लॉग शूट हो ही रहा है वैसे भी। मोटो व्लॉग तो चल रहा है, वहाँ जाके लोकेशन कैसी है, वीडियो में तो बहुत अच्छी लग रही थी, वहाँ जाके पता चलेगा कि यहाँ आने का कोई पैसा वसूल परफॉर्मेंस रही या नहीं रही। हाँ ये बात भी ठीक रही थी, वहाँ जाके ही पता चलेगा कैसी जगह है। भाई, भाई 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 देखा इस चाचे को कैसे पार्क में घूम रहा है। हाँ क्या लगता है शाम की वॉक करने निकले हैं कैसे, इतना फास्ट फॉरवर्ड रोड है यार, इसके ऊपर रोड ऐसे क्रॉस करना ही चाहिए, पेडिस्टल ब्रिज यूज करना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है लेकिन पीछे यार कोई पेडिस्टल ब्रिज था नहीं वैसे। हाँ ये एक अलग बात है कि
चलो ये निकट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर। मैं सोच ही रहा था कि इतनी देर से अभी तक कोई गाना क्यों नहीं आया, वो आखिरकार आ ही गया। भाई बाय द वे ये इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो चुके हैं तो इस साइडों पे बाइक्स वगैरह तुझे नजर आ ही रही है कितनी सारी है। मेरी की छुट्टी नहीं हुई क्या इस टाइम? भाई हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, इन लोगों के बेचारों की बहुत लंबी लंबी 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, इनकी छुट्टियाँ नहीं होती। करते क्या हैं? बहुत अच्छे भाई, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सारे बेचारे फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, कोई कपड़े की फैक्ट्री में, कोई ऑयल की फैक्ट्री में, आगे कोई मसाले मसालों की फैक्ट्री में। लेकिन इतनी दूर बेचारा चाचा सोचता होगा शॉर्टकट ले लूँ, इतनी दूर चलने के ख्याल से एक एक किलोमीटर के बाद है या कुछ ऐसे ही होगा इनकी कैलकुलेशन। ये भी कोई गवर्नमेंट की भाई इतने सारे भी तो नहीं बना सकते ना। हाँ ये भी शिपाटर है भाई। भाई बातें करते करते ये आ गई हमारी चमड़ा चुरंगी। शान मसालों का वो देखा तुमने? बस खुशबू भी आ रही है मस्त यार। ये खुशबू से तूने अच्छा याद दिला दिया, बहुत टाइम से एक सोच थी जहन में, एक सवाल था मेरे जो आज मैं तुझसे भी कर लेता हूँ, शायद तुझे कुछ पता ही हो। कुछ है यार, दुनिया ने इतनी टेक्नोलॉजी ने, दुनिया ने तरक्की कर ली है, 2022 चल रहा है, जदीद दौर है, हर चीज़ इतनी एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा काम हो रहा है, हम स्पेस में चले गए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। यार करने वाली बात करो, वो उधर उधर टॉपिक तक आ रहा हूँ भाई, वो बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है बातों का, कि पीछे से क्या मैं चाह क्या रहा हूँ, मेरे जहन में सवाल गए, सारी बातें कर लेनी चाहिए ना अच्छे से। हाँ मेरा सवाल सुन, अच्छा चलो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। सवाल मेरा ये है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कैमरा इतने एडवांस आ गए हैं, ये ऑडियो फलाना धमकाना और 3D VR और पता नहीं कौन कौन से व्यूज़ आ गए, भाई स्मेल जो है वो कैसे आ सकता है ऑडियंस के लिए? वीडियो हम ये चल रहे हैं, हमारी वीडियो जो भी हम शूट करके अपलोड अप कर देंगे इसे, तो जो हमारी ऑडियंस है जो अभी हम स्मेल कर रहे हैं यहाँ रास्ते में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाते हुए अलग अलग चीज़ों की जो स्मेल आ रही है, वो आवाम तक कैसे पहुँचे, व्यूअर्स तक कैसे पहुँचे, इसमें कोई काम हुआ है? मेरी नॉलेज में तो नहीं यार। वैसे आपकी बात भी ठीक है, आपकी आपको बात को आगे बढ़ाते हैं, जैसे ये फूड ब्लॉगिंग करते हैं लोग, अब वो फूड तो ऐसा मस्त मस्त दिखाते हैं, फूड ब्लॉग करते हैं कैमरा से, ऐसे मस्त सिनेमैटिक्स लेके आते हैं फूड के, लेकिन क्या है कि वो फूड ऑडियंस देख तो सकती है लेकिन उसको सूंघ नहीं सकती, टेस्ट नहीं कर सकती। ये चलो टेस्ट तो बड़े एडवांस लेवल की बात होगी ना, टेस्ट तो होनी है ना, स्क्रीन में से चम्मच निकाल के मैं तेरे मुंह में डाल रहा हूँ ये तो सेंस ही नहीं करता ना। लेकिन स्मेल वाली बात जो है वो थोड़ा करती है, क्योंकि वो रिलेट करते हैं ना, आपके सेंसेस है ना, स्मेल करना, खाना तो चलो एक अलग एक्ट है ना। तो इतनी लंबी बात करने के बाद उसका सिला क्या निकला? भाई बात का कंक्लूजन सिंपल सी, मैं सीधा बातें बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ या मेरी ख्वाहिश है और सबकी भी होगी आप लोगों की भी, कि जो चीज़ें टेक्नोलॉजी में और एडवांस हो जाए, कि ऐसा कुछ आ जाए कि जैसे देखना और सुनना तो सब चीज़ें वीडियो और ऑडियो आ रहा है, तो स्मेल जैसा भी कोई सेंसर या कोई इस तरह की चीज़ आ जाए कि लोग वो जो भी चीज़ चल रही है वीडियो जैसे भी चल रही है जिस एरिया में से हम गुजर रहे हैं उस एरिया का। आपस की बात है, इतनी वोकैबुलरी कहाँ से लाते हो यार? ये बात से बात निकलती है और आगे चली जाती है, जैसे ये मसालों की कैसी खुशबू आई है, खुशबू टाइट किस्म की आई है ना, ये कौन से मसाले हैं? ये मेहरान वाले थे, MDH कहाँ से आ गए यार? वो उससे MDH का चाचा याद आ गया था मेरे को मसालों से। अरे वो वाला, वो बचपन में इंडियन ड्रामों वाले चाचा, ड्रामों के बाद एड में मसाले, एक दफा उसका एड सुना ना। सुनाने की क्या बात है, साथ में पढ़ लेते हैं यार, कैसे था वो? 1-2-3 करके स्टार्ट करेंगे, सही है? आप करो काउंट, 1-2-3 असली मसाले सच सच MDH तुमने कहा गाने वाने में मुझे लगा लिया था, तेरा काम है करने वाला, वो भी अंकल देख रहा था हमें MDH मसाले की तरह पेस्ट बना जाते मसाले की, हमको मार जाते गाड़ी यार, बड़ा बच गए भाई। देख रॉन्ग साइड कट कैसा मार के जा रहा था बंदे के, काम तो चेक करते परम से जा रहा था। हाँ के अब्बा ने रोड बनवा के दिया ना, यूनिवर्सिटी की बात मार गया, गुज्जर की गाड़ी जा रही थी, गुज्जर सड़क पे निकल आया। जी गुज्जर मज्जा जाके संभाले, सड़क पे कितने निकले यार, क्या कर रहा है भाई, ऐसे नहीं करते किसी कम्युनिटी को या किसी भी बंदे को इस तरह से डायरेक्टली हिट नहीं करते, बुरी बात हो जाती है यार। गुज्जरों पे इतने यार जोक्स बने हुए, खुद एंजॉय करते हैं ऐसी चीजें, इतने जोक्स है पठानों पे, इतने जोक्स बने वो खुद एंजॉय करते हैं ऐसे थोड़ी यार, वो तो करते हैं लेकिन मुझे बुरा लगा, दिल से बुरा लगता है यार। दिल से बुरा लगता है आपको? क्यों बुरा लगा ये बताओ मुझे यार, किसी बंदे को ऐसे डायरेक्टली कर रहे हो आप? मैंने कौन सा उसको रोक के बोला तेरी मज कितने यार, फिर भी
किसी स्पेशल कम्युनिटी को या किसी को भी डायरेक्टली जो है कोई चीज़ नहीं करते, मतलब एक दिन जनरल बात हो जाए ना सबके लिए तो वो चल जाता है सिस्टम, लेकिन ये ज़रा डायरेक्ट हो जाता है। वाह 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 वा, यार आपकी जैसी सोच अगर सबकी हो जाए ना तो पूरी दुनिया ही महात्मा बन जाए। आप तो यार बड़े आदमी हो यार। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, इतना ऊपर ना चढ़ा मुझे। आप तो पुरुष, आप तो पुरुष भी नहीं हो, आप तो महापुरुष हो यार, महापुरुष। तो वाह बेटे वाह, बस यही सुनना रह गया था मेरी ज़िंदगी में है, अब ऐसी बातें करने लग जाएगा तू मुझे। अच्छा यार, अभी पिछली वीडियो में तुमको समझाया था, समझा नहीं ना तू? यार ऑडियंस को मज़ा आता है आपको तंग करके। ऑडियंस को तो मज़ा आता है, पर तू तो तमीज़ का दायरा ना ना भूल। वो दायरा पार करना पड़ेगा तभी वो तो फन क्रिएट होगा। तू ऐसे फन को ना क्रिएट ना ही कर, ऐसे फन को दबा ही रहने दे भाई। अगर आप चाहते हो कि हम जेरी भाई को ऐसे तंग करते रहे तो कमेंट्स बॉक्स में बताओ, लाजमी बताना। अगर नहीं चाहते नहीं नहीं भाई मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरत ही नहीं ऐसी बात करने की भाई। ये नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम तो ऑडियंस ही सुनेंगे ना। आप उनसे पहले रिव्यूज मांग रहे थे, अब देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। चलो भाई आपके रिव्यूज देख लेते हैं, बड़ों की इज्जत करना सिखाओ यार इसको कुछ। ये तो आप तो सीरियस ही हो गए यार, ये तो महात्मा वाली बात मैं फिर से बोल दूंगा। नहीं ये सारी बातें ऑन द लाइटर नोट है, आप टेंशन ना लें, बस टेंशन ना लें, रोड का मजा लें, मौसम सुहाना है यार। ये बातें करते करते सफर कितना वो निकल गया और कितना बचा पीछे भाई। अभी तो हम बहुत दूर हैं, अभी तो हमें दाऊद चरंगी जाना है, फिर वहाँ जाके उसको फ़ोन करेंगे तो फिर वो वहीं अंदर से निकल के आएगा और हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा। हाँ यार ये बात आपको सही है, देखें देखने में तो भाई वो सारी बातें छोड़िए, ये गांव कोठों वाला ट्रक यहाँ चल रहा है, ये ट्राली ट्रैक्टर ट्राली कहते हैं लाल वाली। सवाल मेरा पूछना बनता था, आप कराची में रहते हो, मैं वहाँ से आए भाई। वो मैं तू तो देखता रहता होगा ना मुझे, इतना तूने इतना गौर नहीं किया। हाँ मैंने इतना नोटिस। हाँ तो मैं तो नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा मतलब हम गांव वाली साइड आ गए हैं क्या? लांडी गाँव नहीं, लांडी मतलब आगे निकल रहा है तो इस साइड पे होंगी ना लोगों की फसलें वगैरह कुछ होंगी तो इस वजह से यूज़ करते होंगे लोग। हाँ भाई होती होंगी जाहिर है, या भी अगर ट्रैक्टर चल रहे हैं तो कहीं पे तो खैर यूज़ होते होंगे, फसलें ना हुई तो कोई और कंस्ट्रक्शन का काम हो गया वहाँ भी यूज़ होते होंगे। भाई कंस्ट्रक्शन के काम में ये वाला यूज़ नहीं होता कराची में, वहाँ खैरपुर वगैरह में होता है क्या? ट्रॉली वगैरह लिफ्ट वगैरह खींचने के लिए होता है, आपने कोई भर्ती डलवानी है तो रेत वेत लेके आनी, पत्थर लेके आनी। सिर्फ ट्रक क्यों खड़े हैं रोड के सेंटर में? पूछ लेते रोक के, आप रोक भी नहीं रहे। अब इतना पूछने वाला नहीं है, वैसे ही मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब ये रक्षे पूछोगे क्यों खड़े हैं साइडों पे? नहीं नहीं साइड पे तो चलो समझ में आ जाता है भाई, हम बस ये दाऊद चरंगी बस करीब करीब ही हैं, बस ये सीधा रोड दाऊद चरंगी लेके जाएगा हमको और फिर हम जाएंगे डायरेक्टली अपने दोस्त के आस्थाने पे, है ना? हाँ अब वो आगे उसने कहाँ लेके जाना है तो वही बताएगा, तो आगे भी कितना दूर जाना है यार। एक व्लॉग बसों में बैठ के बनना चाहिए। नहीं बात तो सही कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस से पूछ लेते हैं अगर उनको ये ब्लॉग चाहिए तो हम उन्हें कमेंट्स में बताएं। यार सो ब्लॉग उनको चाहिए चाहिए तो ये अगली वीडियो बना लेते हैं, संडे वाले दिन ये वीडियो डाल लेंगे, कोई मसला है क्या हमारे लिए? सही हो गया कि यार WTs पे बैठ जाएंगे। एक बस तो अपने यहाँ घर के पास ही निकलती है। हाँ उस पर बैठ जाएंगे शूट हो। अरे बस से इनको इनका भी बना लेंगे, चल तेरे कहने पर इनका बना लेंगे, वो जो नई बसेस चली हैं ग्रीन लाइन चली है और एक और वो पीपल बस सर्विस जिसका पिछली वीडियो में बात करते यार। जी हाँ जी, तो मेरे ख्याल से पीपल बस सर्विस क्योंकि वो क्या है अभी वो क्या कहते हैं उसको, करंट टॉपिक है। तो जी यहाँ से हमारे दोस्त शाजिब राणा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आगे के रास्ते तक जहाँ हमें जाना है हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाने में वो हमारी मदद करेंगे। भाई मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को जो है ना यहीं पे ऑफ करते हैं, बाद में आगे के सीन्स जो है हम वो व्लॉग में डाल देंगे। हाँ 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 वो तो नेक्स्ट व्लॉग में डालेंगे, लेकिन ये जो सीन अच्छे अच्छे आ रहे हैं इनको किसी के अंदर दिखा देते हैं ताकि एंड अच्छा होगा तो शुरुआत अच्छी होगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल आप भी सही कह रहे हो, ये पीछे कितनी ज़बरदस्त ये ढलान लग रही थी पूरा नीचे उतर के आने वाले सीन। तो इसी के साथ टॉम एंड जेरी को दीजिए इजाज़त, इन्हीं सीन्स के साथ हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें सुरक्षित रहें। अरे भाई ये क्राइम पेट्रोल नहीं है यार। अरे अस्सलाम वालेकुम शादी भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? तो ये नेक्स्ट वीडियो के आप सीन देख लें कितने मस्त आ रहे हैं, तो बस वो वीडियो मिस ना कीजिएगा, अगर मिस कर देंगे तो ये इतने अच्छे जो सीन्स आ रहे हैं वो सब आपसे मिस हो जाएंगे। लग तो बड़ी अच्छी जगह रही है यार, अच्छी जगह सजेस्ट की आपके दोस्त ने। ये तो भी अगली वीडियो में पता चलेगा।